पकड़ भैया। भाई साहब यूट्यूब से इनकम आ रहे हैं फिर भी आप ये काम कर रहे हैं, पैसे देके किसी से काम करवा लीजिए ना। अरे भैया अपना काम नहीं बोलना चाहिए सभी। ये शिवम है और उनके चाचा सुनील, हम अपने दीदी के घर पे आ गए हैं। देखिए काम चालू है और बीम पड़ रहा है फ्रेंड। देखिए सब लोग काम पे कर रहे हैं और प्रदीप भाई इधर हैं। अभी हम लोग पहुँचे हैं, ये बीम पड़ रहा है फ्रेंड। असल में देखिए हमारे दीदी का एक छोटा सा पड़ रहा है और हम लोग मिसाइल में रहे। देखिए देखिए लैट्रिन का एक कचरा मतलब एक रूम में अंदर एक रूम में रहेगा। हाय दोस्तों, फाइनली हम अपने दीदी के घर पे पहुंच चुके हैं और हमारे घर से बहुत दूरी पे हैं हम लोग, एक घंटा लग गया है यहाँ तक आने में। तो देखिए फाइनली बीम पड़ रहा है, प्रदीप भाई हैं और हम दोनों साथ में आए थे। देखिए वहाँ पे बड़े भैया हैं तो लैट्रिन का गड्ढा घर में ही बना रहे हैं, ताकि जगह थोड़ा कम है इसीलिए घर में ही बना रहे हैं। उधर बगल में किचन बनाएंगे और एक बीच में देखिए नलका भी है। देखिए यही मतलब इसे देखिए बाथरूम का गड्ढा बन रहा है और बगल में देखिए नलका भी इसमें पड़ रहा है। और इधर देखिए सभी लोग का कार्य कर रहे हैं अपना। और देखिए हमारी दीदी का जो घर है वही करकट है, थोड़ा सा करकट रहा, लेकिन मम्मी भी हैं। और इधर देखिए छोटा सा घर, इधर बगल दूसरे का है, इधर भी दूसरे का है, खाली इतना ही जगह है, दो रूम का जगह है बस। अरे हम चल रहे हैं काम करने, प्रदीप भाई वीडियो बनाएंगे तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। चल रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा आदमी कम थे तो दीदी का घर बन रहा है, इसीलिए हम बहुत दूर से आए। चले थोड़ा काम कर लेते हैं, हवा बहुत तेज हमारा रहे काम करने। और ठीक है तब तक कपड़ा उतारते हैं। ये देख सकते हैं अब भाई अपने कपड़े निकाल दिए, काम करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ठीक है मैं ब्लॉग बनाऊंगा, ब्लॉग को लाइक करना जरूर। मीटिंग है काम करने के लिए। हाँ भैया देखिए देखिए अब चल रहा है घर बनाने। दीदी कैसे है? वो रहा दीदी का, वहाँ पे वो लोग रहते थे, लेकिन अब ये नया घर बन जाएगा तो अच्छे से रहेंगे। और सुनील भाई पूरी मेहनत से काम करने वाले हैं। चलिए देखते तो ये देखिए सुनील भाई क्या कर रहे हैं। भाई साहब यूट्यूब से इनकम आ रही है फिर भी आप ये काम कर रहे हैं, पैसे देके किसी से काम करवा लीजिए ना। भैया अपना काम नहीं बोलना चाहिए सभी को, इससे आप सही बोल रहे हो। देखिए गाइस जैसे कितना भी पैसा आ जाए लेकिन अपना अपना जो काम होता है अपना होता, चाहे जो भी काम हो वो करना चाहिए। बाकी ये सुनील भैया का दीदी का घर बन रहा है तो ये सब काम कर रहे हैं, सब भाई लोग हैं। वो बड़े भैया हैं और एक भैया गड्ढा खोद रहे थे, और दीदी से भी मिलवाते हैं आप सभी को। यहाँ पे आ गए और ये दीदी है और ये मम्मी। मम्मी ठीक लागत बा, सब जुट के काम करते हैं ना? ठीक लागत बा, काम करते हैं सब जुट के। सुनील भैया आए हैं, सब भाई लोग हैं काम कर रहे हैं। अब अभी बीम भर जाएगा, इसके बाद देखने बाद कितना दिन बाद बना है, दो दिन के बाद फिर इसको हटाएंगे, ये सूख जाएगा। और सुनील भाई वहाँ भी कर रहे हैं, मटेरियल तैयार हो रहा है। और ये यही घर था जिसमें दीदी रहती थी, लेकिन अब नया घर बनेगा तो अब कोई दिक्कत नहीं है, बस वही करकट में रहते थे सब लोग। यहाँ से दिखाते हैं सबको, यहाँ भी एक छोटा सा भैया।
जल्दी जल्दी करा। फाइनली अभी वो मटेरियल खत्म हो गया है, तो सुनील भाई अब देखो क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भाई? देखिए भाई कितनी भर रहे हैं, अब भाई कितनी भर रहे हैं और नाप के भरे थे, बाकी फिर मटेरियल तैयार होगा। अब थोड़ा सा जगह और है, उसके बाद हो जाएगा। नील भाई यहाँ गिट्टी का रेट क्या है? यहाँ गिट्टी का रेट 10,000 रुपए टाली है। ये कौन है आपके? आपके ये शिवम है और उनके चाचा नील भाई के बड़े भैया का बेटा है। अब सुनील भाई वो मटेरियल मिला रहे हैं। सुनील भाई अब क्या कर रहे हो? अरे मुआ ऊपर कह दे। सुनील भाई अब क्या कर रहे हो? ताला मिले तो मटेरियल को मिला रहे हैं, गिट्टी मोरंग और उसके बाद ये जो एरिया है इतने में डालना है। अब यहाँ तक हो ही गया, बस वहाँ तक करना है, इसके बाद हम लोग घर पे जाएंगे। इसमें सीमेंट मोरंग गिट्टी है। दोस्तों देखिए बीम पड़ गया है, तो हम लोग चल रहे हैं, घर को निकल रहे हैं और थोड़ा और बाकी है वहाँ, थोड़ा कोने में मतलब माल खत्म हो गया था, तो देखिए थोड़ा सा और बाकी है, तो हमें जाना है बहुत दूर। बीम पड़ गया है, थोड़ा और बाकी है, तो मम्मी पूजा कर रही है। बीम कभी लड्डू पटेगा आप सबको भी लड्डू का निमंत्रण। दोस्तों बीम पड़ गया है, जो दीदी का बीम था वो पड़ गया और मम्मी और दीदी कर रही है, पड़ गया है दोस्तों। देखिए तभी आप शाम हो गई, कब से मम्मी आने दीजिए, उसके बाद चल इंतजार कर रहे हैं मम्मी की। और गाड़ी यहाँ पे हमारी है, देखिए ठीक है, मम्मी कहाँ आने देते हैं, उसके बाद चलते हैं घर। देखिए फ्रेंड्स मम्मी और दीदी आ रही हैं और कुछ गट्टा के लेके आ रही हैं मम्मी और दीदी भी, और देखिए अब हम लोग घर पे निकलने वाले हैं। मम्मी आ गई और दीदी भी और इनका बीम पड़ गया है, चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। प्रसाद सभी लोग खा लिए, ठीक है दोस्तों। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।